सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत आज पहली फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची और ब्रिटेन के लंदन से 148 प्रवासी राजस्थानियों को लेकर पहली फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर उतरी। इस दौरान विशेष सुरक्षा इंतजाम बरतते हुए सभी यात्रियों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया और विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीयों को लाने का सिलसिला 7 मई से शुरू हुआ था, जो अब दूसरे चरण में पहुंच चुका है। इसके तहत पहली फ्लाइट आज जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची और वंदे भारत मिशन के तहत प्रवासी राजस्थानियों को लेकर आज पहली फ्लाइट लंदन से दिल्ली और फिर जयपुर पहुंची। 148 यात्रियों में से एक को कोरोना संदिग्ध मानते हुए एयरपोर्ट पर ही आइसोलेट किया गया और फिर SMS अस्पताल भिजवाया गया। आपको बता दें कि भारत मिशन के तहत जयपुर एयरपोर्ट पर कुल 14 फ्लाइट आनी है और जिनके जरिए करीब 2000 प्रवासी राजस्थानी जयपुर लौटेंगे और एयरपोर्ट पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सांसद रामचरण बोहरा भी पहुंचे। के अपने अपने घरों पर टैक्सी के द्वारा या अपनी ओन टैक्सी हो उसके द्वारा उनको अपने अपने आवास पर पहुंचने का काम राज्य सरकार करेगी। मैं समझता हूं कि भगवान नहीं करे किसी को पॉजिटिव निकले, सब इस 14 दिन के क्वारंटाइन में सब स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौटे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और भारत सरकार ने जिस तरह की जो पहल की है प्रशंसनीय है। माननीय प्रधानमंत्री ने 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी चालू करने की बात की है। 200 ट्रेनें 1 जून से भी चालू होने की, जो लेबर ट्रेन्स हैं उनको भी बात की है। मैं समझता हूँ कि श्रमिकों का और हमारे जो भी लोग जाने आने वाले हैं उन लोगों को एक अच्छी बड़ी सौगात। देखिए, हुआ ये कि यूनिवर्सिटी में जब तक छुट्टियाँ डिक्लेयर हुई कि भाई अब हम ऑनलाइन करेंगे सब कुछ, तब तक यहाँ की सरकार सब बैन कर चुकी थी। वीज़ा को लेकर डर थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो भाग करके यहाँ आ जाए और उसके वीज़ा पे कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा आप लोग सभी जानते हैं एक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है यूनिवर्सिटीज़ के, साथ में थोड़ा रिस्क फैक्टर भी साथ में रहता ही है कि अगर हम छोड़ के निकल गए, क्योंकि ऑनलाइन ऑप्शन, ऑनलाइन स्टडी ऑप्शन किसी भी वीज़ा में नहीं होता है और ये चीज़ें पहले से बताई नहीं गई थी। अब जब हमें मालूम पड़ी कि भाई ये सब चीज़ें भी हो सकती है, क्योंकि जब तक छुट्टियां उनकी डिक्लेयर हुई और ऑनलाइन ऑप्शन डिक्लेयर हुआ तब तक सरकार सारी फ्लाइट्स बैन कर चुकी थी। वंदे भारत मिशन के तहत पहली फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची है। ये फ्लाइट ब्रिटेन के लंदन से पहले दिल्ली पहुँची और इसके बाद दिल्ली से जयपुर पहुँची है। 148 प्रवासी राजस्थानी इस फ्लाइट के जरिए जयपुर पहुँचे हैं। पहली फ्लाइट से लंदन से जो लोग लौटे हैं उन सभी यात्रियों को फिलहाल क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। आज यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर जो 148 प्रवासी राजस्थानी इस फ्लाइट के जरिए पहुँचे हैं उन सभी यात्रियों को 20-20 के ग्रुप में बाहर लाया जा रहा है। उन सबकी मेडिकल स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर हो रही है। सभी यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उनका जो इमिग्रेशन चेक है वो हो रहा है, कस्टम क्लियरेंस है वो की जा रही है और इस पूरी प्रोसेस के बाद इन यात्रियों को एयरपोर्ट से बसों में बिठा करके क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। क्योंकि प्रत्येक यात्री के बारे में रिस्क नहीं ली जा सकती है, इसलिए राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, जो कि नोडल अधिकारी यहां पर हैं, वो खुद मौजूद हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही एयरपोर्ट प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूरी सुरक्षा इंतजामों के साथ इन यात्रियों को क्वारंटीन सेंटर भेजने के लिए मौजूद हैं। और हालांकि कुछ यात्रियों के जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर एयरपोर्ट पर आसपास में जुटे हुए हैं, जो कि यहाँ पर इकट्ठे हो गए और वो बस उनकी चाहत इतनी है कि वो अपने परिजनों को, बच्चे या बच्चियों को केवल एक झलक देख सकें। इस फ्लाइट जो आज पहली फ्लाइट जहाँ पहुँची है उसमें ज़्यादातर ब्रिटेन में पढ़ने वाले बच्चे हैं या छात्र छात्राएं हैं जो कि लंबे समय से वहाँ फंसे हुए थे और आज यहाँ भारत में पहुँचकर उनको बड़ी खुशी मिल रही है। आज पहली फ्लाइट पहुँची है और इस तरह से कुल मिलाकर 14 फ्लाइट 1 जून तक यहाँ आएंगी और इनमें कुल मिलाकर 2000 प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुँचेंगे। तो कहा जा सकता है कि पहली आज शुरुआत हुई है वंदे भारत मिशन की जयपुर एयरपोर्ट पर और 14 फ्लाइट्स के जरिए करीब 2000 प्रवासियों को राजस्थान लाया जाएगा। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।